करा ले। नहीं करो प्रैंक, आप बताओ मुझे। हाँ पिला दो चाय और क्या। अच्छा जी खोल ले फिर, मुंबई में रेस्टोरेंट खोल ले अर्चना की टपरी। क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, आप बताइए। आप चाय की टपरी कभी खोलने वाले? अर्चना की टपरी, अर्चना की टपरी कब खोलने वाले? अर्चना की चाय की टपरी कब खोलने वाले? बस जल्दी खोल दियो, अच्छे से दुकान या अच्छे से कोई शॉप देखिए आप लोग। अर्चना की चाय की टपरी खोलते हैं जिसमें अदरक वाली चाय मिलेगी, और मतलब साथ के साथ ये कि जिसका पेट मतलब कब्ज हो रही है तो उसके लिए भी वो चाय स्पेशल चाय मिलेगी। तो कल आपने होली कैसे बनाई? बहुत अच्छी, मैंने पुणे में होली बनाई और मैं अभी 3 बजे आई हूँ और फिर जस्ट उठी हूँ, घर देखने चली गई। मिला घर? हाँ एक मिला है, शायद एक दो दिन में फाइनल कर देंगे। किधर पे? ये नहीं बताऊंगी, जनता के लिए बताइए। सिर्फ डायरेक्ट वीडियो बना के बेचूंगी। बेचेंगे? बेचूंगी। अरे किसी बात की, अच्छा आपने की वो एमसीस्टर में शो हुआ था, आप आई नहीं एमसीस्टर में? मैं थी नहीं शायद। पहली बात तो मैं बिना इनविटेशन के जाती ही नहीं, ना उसने मुझे इनवाइट किया, ना मैं गई और ना मैं जाना चाहती है कि नहीं। तो इसलिए जो मेरे से हाय हेलो रखेगा भैया उसी से बात करूंगी। अरे पानी लो, पानी का। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? बोलिए क्या बोल रहे हो? बस मैं कह रही हूँ जो मुझसे हाय हेलो रखेगा उससे अच्छे से बात करूंगी ना मैं। तो मेरे से हाय हेलो रखते हैं प्रियंका, सौंदर्य, टीना, शीजिता, निम्रे, सुम्बुल और कौन, मीडिया, गौतम, मीडिया तो है नहीं, अब्दू ने नहीं रखी। दो असिस्टेंट, दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं रखा। बट इट्स ओके, अपन अपनी लाइफ में खुश हैं। बोलो अपनी लाइफ में खुश हैं, क्यों इंटरफेयर करने का किसी की लाइफ में? क्यों करने का भैया, सब लोगों को अपनी अपनी लाइफ जीने का, अच्छा चलाते रहने का। और अच्छा तो चल रहा है मेरा, आप लोग देख रहे हैं कितना छा रही हूँ मैं, है ना, कितना प्यार मिल रहा है। स्पेशल पता है मुझे सबसे अच्छी क्या बात लगती है कि मुझे जो महिलाओं का और जो फैमिली का प्यार मिल रहा है ना, वो मेरे लिए मतलब सच में मतलब भगवान के समान है। तो मैं कसम से मतलब जो मुझे प्यार मिल रहा है ना, उन लोगों को प्यार मिल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमको भी बिग बॉस में जाने का था। जाओ आप लोग भी, मदद करो। मैं तो खुद मिस कर रही हूँ बिग बॉस को, सच में मिस कर रही हूँ बहुत ज्यादा। घर बहुत मिस कर रही हूँ, बाहर की दुनिया में बड़े लफड़े हैं। सलमान सर के लिए बोल दो। सलमान सर का तो बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, उनका गुलाब को मैंने जड़वा के अपने मतलब रखना है, अपने ड्राइंग रूम में सजा के रखना है, क्योंकि जो उन्होंने मुझे गुलाब दिया मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। तो उस गुलाब को तो मैं अपनी जिंदगी में, सर ने आपको गुलाब दिया? गुलाब आपको पता नहीं है, बिग बॉस ने दिया था, देखा नहीं एपिसोड, दिया। चाहे अनिल कपूर सर हो, कार्तिक आर्यन हो, बादशाह हो, सब लोग। हाँ सनी देओल जी ने गुलाब नहीं दिया, उन्होंने तो निकाल दिया मेरे को। बट कोई बात नहीं, वो भी एक पार्ट है, उनके हाथ में भी नहीं था। तो बस चलो मैं चलती हूँ, ठीक है, बाय। बिग बॉस के घर में मेरी फेवरेट तो दो लोग थी, प्रियंका और सौंदर्य, जो मेरी अभी भी दोस्त है। तो मेरे को ऐसा नहीं, मेरे लिए सब लोग बहुत इक्वल थे, मेरे लिए सब लोग मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो चलो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, मजा आ गया। अर्चना जी हमको भी बता दिया अगर आप बाहर निकले। अरे हाँ प्यार से बात करो, प्यार से मतलब मैं निकलती हूँ ऐसा मास्क वास्क लगा के, पर इत्तेफाक जी पांडे जी पता नहीं कहाँ से पधार जाते हैं, और पांडे जी वो शादी हो जाती है, पधारते नहीं है। मैं चाहती हूँ कि शादी पहले घर शिफ्ट कर लूँ, कि अच्छे से आप लोगों को इंटरव्यू दूँ, मेकअप वेकअप कर दूँ। अपने ऊपर डिपेंड रहे, किसी पे डिपेंड ना हो, और किसी के लिए कुछ गलत करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी जब मैं बिग बॉस से बाहर निकली, मैंने सुना एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है, मुझे बड़ा मतलब बुरा लगा कि ऐसा एक लड़के के लिए उसने सुसाइड कर लिया। तो मुझे नहीं लगता ये सब करने की जरूरत है, अपने दम पे खड़े हो, किसी की नहीं सुननी है, जो आपका दिल कहता है वो सुन, ठीक है ना। एंड आंटी अपने ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, किसी पे नहीं रहना चाहिए ना। अपने ऊपर डन 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 डन